हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित हमारे सहयोगी मौजूद है, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, इस पूरे मामले में जिस तरीके से राजनीतिक बयान सामने आ रहे हैं, सुप्रिया सुले का कहना कि जो षड्यंत्र लंबे समय से चल रहा था वो अब होता हुआ दिखाई दे रहा है, संजय राउत का इस पूरे मसले पर बयान क्या बताता है? देखिए, इस पूरे मामले को सियासी हलकों में ठाकरे सरकार वर्सेस बीजेपी के तौर पर देखा जा रहा है। हाल फिलहाल में ही लगातार शिवसेना की ओर से और एनसीपी की ओर से ये आरोप लगाए जाते रहे हैं कि केंद्र की बीजेपी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है महाराष्ट्र सरकार से जुड़े लोगों पर दबाव डालने के लिए। और उसी कड़ी में अब नवाब मलिक शिकंजे में पहुंचे हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के, और उनसे पूछताछ की जा रही है। और बार बार ये आरोप लगातार जो है ठाकरे सरकार के घटक दलों की ओर से लगाया जाता रहा है कि बीजेपी जो है केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है दबाव बनाने के लिए। और सियासी हलकों में यह भी एक चर्चा है कि एक तरह से बदले की कार्रवाई है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी हुई, नारायण राणे की गिरफ्तारी हुई, नितेश राणे की गिरफ्तारी हुई, और अब नवाब मलिक को जिस तरह से बुलाया गया है, ईडी के दफ्तर में लाया गया है, उसको एक बदले की कार्रवाई के तौर पर सियासी हलकों में देखा जा रहा है। और अब जो है यहाँ पर अगर मैं ईडी ऑफिस के दफ्तर के बाहर का माहौल दिखाऊँ तो बड़े पैमाने पर पुलिस बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि शहर के अलग अलग इलाकों से एनसीपी के कार्यकर्ता ईडी के दफ्तर पर पहुंचने वाले हैं यहां पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए। और एनसीपी को शिवसेना का भी समर्थन मिला हुआ है। अब से चंद दिनों पहले ही संजय राउत ने कहा था कि बड़े पैमाने पर ट्रक में भर भर के शिवसैनिक आने वाले हैं ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए। और आज अचानक जब नवाब मलिक को इस तरह से यहाँ लाए जाने की खबर आई है, उसके बाद से एनसीपी के कार्यकर्ता शहर के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र दीक्षित, सूरज ओझा इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ईडी दफ्तर में उनसे पूछताछ जारी है, और इसी को लेकर सड़क पर कार्यकर्ता जो प्रदर्शन कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।